हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं बनाऊँगी फ्राई फिश एक नए स्टाइल से, जो आप अगर मेरे मेथड से बनाइएगा तो ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनने वाली और क्रंची भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 kg मछली लिया है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं मैरिनेशन के लिए नमक डालूंगी, 1 teaspoon नमक मैं डालूंगी। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी 1 teaspoon। ये सब मैं मैरिनेशन के लिए कर रही हूँ ताकि सारे मसाले आपस में जज्ब हो जाएँ। फिर मैंने ये 1 teaspoon चिली पाउडर डाला और सबको आपस में मैं मिक्स कर दूँगी। 10 से 15 मिनट तक आपको इसको ऐसे ही मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है ताकि सब नमक इसमें जज्ब हो जाए। उसके बाद फिर ये मैंने 1/2 teaspoon लहसुन पेस्ट डाला है ताकि, और सब मैं मिक्स कर दूंगी ताकि सब मसाले अब्सॉर्ब हो जाएं और जज्ब हो जाएं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें खुल के। अब ये मैं 1/2 hour के लिए रख दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसे फ्राई करूंगी। मछलियों को फ्राई करने के लिए मैं एक बैटर बना रही हूँ जिसमें ये मैंने 250 ग्राम चावल का आटा लिया है। उसके बाद 1 teaspoon ये मैंने चाट मसाला लिया है, 1 teaspoon कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 teaspoon अमचूर पाउडर, 1 teaspoon हल्दी पाउडर लिया है मैंने। उसके बाद ये मैंने 1 teaspoon साबुत ज़ीरा लिया है, 1 teaspoon काली मिर्च लिया है, 1 teaspoon ये लहसुन लिया है, लहसुन कलियाँ 10 से 12 लहसुन कलियाँ लिया है। इसको मैं मिक्सर में पीस लूँगी, फाइन पेस्ट बना लूँगी इसका। ये देखिए मैंने लहसुन ज़ीरा और काली मिर्च का पेस्ट रेडी कर लिया। अब मैं बैटर रेडी करूँगी। ये देखिए मैंने चावल का आटा लिया और इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। फिर मैं ये सूखे मसाले जो लिया था मैंने, ये मैं इसमें ऐड करूँगी सब मसालों को। फिर मैं इसमें लहसुन ज़ीरा और काली मिर्च का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो इसमें मैं ऐड करूंगी और सबको मिक्स कर दूंगी। 1/2 cup पानी मैंने इसमें यूज़ किया है ताकि बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो सके। ये देखिए मछली को फ्राई करने के लिए ये बैटर मेरा रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है ये। इसी में हमें मछलियों को फ्राई करना है। ये देखिए मैंने 1.5 cup ऑयल लिया है और ये मस्टर्ड ऑयल है और इस ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सारी मछलियों को पेस्ट में डिप कर करके मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखिए मैंने एक मछली को ट्रांसफ़र कर दिया है और फिर ऐसे ही करते करते मैं सारी मछलियों को इस बैटर में डिप कर करके इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। फ्लेम को मैंने हाई रखा है ताकि मछली अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए मछली फ्राई होना शुरू हो गई है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी नीचे से तब मैं इसे टर्न करूंगी। मछलियाँ हो चुकी हैं नीचे से, अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ दूसरी तरफ से ताकि ये दूसरी तरफ से भी हो जाए। ये चावल का आटा जो मैंने लिया था इससे बहुत क्रंची बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए सब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब ये दूसरी तरफ से हो जाएगी फ्राई। ये देखिए मछलियाँ दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी हैं, अब मैं इसे डिश आउट करूँगी एक प्लेट में। ये देखिए मैंने टिश्यू पेपर लगाया और ताकि ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए इसमें, जितना ऑयल ज़्यादा है। तो ये देखिए मैंने सब अब निकालना शुरू कर दिया है। ये देखिए सारे मछलियों को मैंने एक प्लेट में डिश आउट कर लिया। अब इसको मैं ऊपर से चाट मसाला डालूंगी ताकि इसका और भी टेस्ट इन्हेंस हो जाए।
इस तरह से आप अगर मछलियों को फ्राई करिएगा मेरे तरीके से तो ये बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।